हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ दाल के वड़े शेयर कर रही हूँ। हम मोटके दाल के बनाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये। आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आज हम मोटके वड़े बनाएंगे। बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छे लगते हैं ये, कुरकुरे बनते हैं। मैंने यहाँ मोट की दाल ली है, आप मोट भी ले सकते हैं। मोट अगर आप ले रहे हैं तो उसे 4-5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। मैंने यहाँ दाल ली थी इसलिए मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। ये अच्छे से फूल गई है, इसे हम दरदरा मिक्सी में पीस लेंगे। पीसने के लिए हम दाल में डालेंगे अदरक का टुकड़ा और हरी मिर्ची, इसे भी हम इसके साथ ही ग्राइंड कर लेंगे। दाल को हमने पीस लिया है। दाल में पीसते वक्त पानी ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये ढीली हो जाएगी, बड़े अच्छे नहीं बनेंगे। दाल में कम से कम पानी डाल के पीसना है। ये देखिए, इस तरह से गाढ़ा रखना है हमें। इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम आकार का प्याज, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 कटोरी बारीक कटा हुआ धनिया, धनिया पत्ती डाल देंगे हम। 1 छोटी चम्मच हम डालेंगे साबुत धनिया, इसे मैंने बेलन से तोड़ लिया है। 1 छोटी चम्मच जीरा, साबुत जीरा है। नमक टेस्ट के अनुसार डाल देंगे हम। लाल मिर्च पाउडर, जितना स्पाइसी खाते हैं आप उसी हिसाब से डालें। हींग डाल देंगे। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप वीडियो को लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच भर के बेसन, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेसन को ध्यान रहे पीसते वक्त पानी कम से कम डालें। इसमें हम 1 छोटी चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, इससे वड़े का स्वाद डबल हो जाता है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कटोरी ली है। कटोरी के ऊपर मैंने कपड़ा लगा लिया है एक साफ, इस तरह से हम टाइट कर लेंगे कपड़े को। थोड़ा पानी लेंगे, वड़े हम इसके ऊपर बनाएंगे, इसे हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे। बैटर को हम इसके ऊपर डालेंगे, इस तरह से हम हाथ से फैलाएंगे अपनी उंगलियों की सहायता से। इस तरह से हम फैलाते हुए इसे बनाएंगे। ये देखिए, अब हम इसे ऑयल में छोड़ देते हैं। हमने इसे ऑयल में डाल लिया है, इसे हमें लो फ्लेम पर कुरकुरा होने तक फ्राई करना है। इसी तरह से हम दूसरा भी डाल देंगे। साइड से हम गरम तेल को इनके ऊपर डालते रहेंगे जब तक ये नीचे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। हम इसी तरह से फ्राई करेंगे, फिर इन्हें हम पलट देंगे। दाल को पीसते वक्त बिल्कुल महीन नहीं करना है, थोड़ा दरदरा पीसना है हमें, थोड़ी मोटी रखनी है दाल को। अब हम दूसरी तरफ से इसे पलट देते हैं। वड़े गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, ये देखिए। इसे हम 1 मिनट के लिए और कर लेते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, बारिश के मौसम में बहुत टेस्टी लगते हैं, और मोटके दाल के वड़े वैसे ही बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। वड़े हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सभी वड़ों को बना लेंगे। वड़े पतले पतले होने चाहिए। फैलाते वक्त आप ध्यान रखें कि वड़ों को थोड़ा पतला फैलाएं, मोटा ना रखें।
वड़े हमने फ्राई करके बाहर निकाल लिए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। ये देखिए बहुत क्रिस्पी बने हैं, खाने में बहुत टेस्टी है ये आप बिना चटनी के भी खा सकते हैं इजीली, और चटनी के साथ इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। मैं यहाँ हरे धनिया की चटनी ले रही हूँ, इसके साथ हम सर्व करेंगे। इसके ऊपर हम चटनी भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ हरे धनिया की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।